नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेंद्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। चमोली से बड़ी खबर है, जोशीमठ में धौली गंगा घाटी के रणी में तबाही मची है और ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई है। ग्लेशियर टूटने से पावर प्रोजेक्ट बह गया है और मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है। तबाही में कई लोगों की बहने की भी सूचना है और ग्लेशियर टूटने से उफान पर है धौली गंगा नदी। अलकनंदा नदी में भी विकराल रूप धारण कर लिया है। तस्वीरें भी आपके सामने है, भीषण हादसा हुआ है उत्तराखंड के चमोली में। ग्लेशियर टूटने से पावर प्रोजेक्ट जो वहां पर चला था वो पूरी तरीके से बह गया है। कई लोगों के बह जाने की भी खबर है। फिलहाल एनडीआरएफ की कई टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं, बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया, लेकिन काफी भयावह तस्वीरें हैं। ग्लेशियर फटने से अलकनंदा नदी उफान पर आ गई, विकराल रूप धारण कर लिया है और ग्लेशियर फटने की वजह से कई लोगों के बह जाने की भी आशंका है, कई गांवों को नुकसान भी पहुंचा है। तो चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जोशीमठ में धौली गंगा घाटी में ग्लेशियर फटने से तबाही मची है, कई लोगों के बह जाने की आशंका है और ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई है। पावर प्रोजेक्ट बह गया है, कई लोगों के बह जाने की आशंका है, कई गांवों को भी नुकसान पहुंचा है। तो उत्तराखंड में बड़ी तबाही, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से बड़ा हादसा हुआ है, कई लोगों के बह जाने की आशंका है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी घटना को लेकर ट्वीट करके दुख जताया है। कई लोगों के बहने की सूचना है, तस्वीरों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण है। अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया, ग्लेशियर फटने की वजह से कई गांवों के बह जाने की भी आशंका, साथ ही साथ कई लोगों के बह जाने की भी आशंका है। और ग्लेशियर फटने की वजह से जो वहां पर पावर प्रोजेक्ट चल रहा था वो भी पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो मौके पर प्रशासन की कई टीमें मौजूद हैं, लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन खबर यह भी है कि जो लोग वहां पर काम कर रहे थे उनमें से कई लोग लापता हैं, कई लोगों के बह जाने की भी आशंका है। अलकनंदा नदी की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि अलकनंदा नदी ने कितना विकराल रूप धारण कर लिया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, ग्लेशियर फटने की वजह से भीषण हादसा हुआ है उत्तराखंड के चमोली में। चमोली में प्राकृतिक आपदा ने कहर मचाया है, कई लोगों के बह जाने की आशंका है, कई गांवों को भी नुकसान पहुंचा है और आसपास के कई गांवों को खाली भी कराया जा रहा है, क्योंकि अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है ग्लेशियर की फटने की वजह से। प्रशासन की कई टीमें वहां पर मौजूद हैं, बचाव का कार्य किया जा रहा है। आसपास जो गांव बसे हुए हैं अलकनंदा नदी के किनारे, उन गांवों को भी खाली कराया जा रहा है। ग्लेशियर फटने की वजह से चमोली में जो पावर प्रोजेक्ट का काम चला था वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। वहां पर जो काम कर रहे थे उसमें से कुछ लोग लापता हैं, उन लोगों को भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही साथ जो अन्य लोग वहां पर फंसे हुए उन लोगों को भी निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और बचाव दल की कई टीमें वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और इस घटना को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। तो बड़ी प्राकृतिक आपदा देखने को मिली है उत्तराखंड के चमोली में। तो चमोली जिले के रैनी में ग्लेशियर फटने से सिधौली नदी में बाढ़ आ गई है और इसमें चमोली से हरिद्वार तक खतरा अब बढ़ गया है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर रवाना हो गई है। वहीं चमोली जिले के नदी किनारे की बस्तियों को पुलिस लाउडस्पीकर से अलर्ट कर रही है। धौली नदी में बाढ़ आने की सूचना मिलने के बाद जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। सभी थानों और नदी किनारे बसी आबादी को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को झील का पानी
कम करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने पर अतिरिक्त पानी छोड़ने में दिक्कत ना हो। और बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने के बाद बांध क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे नदियों में बाढ़ आ गई है। तपोवन बैराज पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। श्रीनगर में प्रशासन ने नदी किनारे बस्तियों में रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थानों में जाने की अपील की है। वहीं नदी में काम कर रहे मजदूरों को भी हटाया जा रहा है। वहीं बाढ़ के बाद अब धौरी नदी का जलस्तर पूरी तरह से रुका हुआ है। स्टेट कंट्रोल रूम के अनुसार गढ़वाल की नदियों में पानी ज्यादा बढ़ा हुआ है। करंट लगने से कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सचिव आपदा प्रबंधन और डीएम चमोली से पूरी जानकारी ली है। मुख्यमंत्री लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। संबंधित सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि नदी के किनारे से हट जाएं, सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। और चमोली से हमारे संवाददाता पुष्कर नेगी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पुष्कर, बड़ा हादसा हुआ है, बड़ी प्राकृतिक आपदा देखने को मिली है, कितने लोगों के बह जाने की आशंका है, फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति है, कितनी बचाव दल की टीमें वहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल धीरेन, मैं आपको बता दूं कि सुबह 11 बजे का यह मामला है। अलकनंदा एक ऐसी गंगा है जो तपोवन जो प्रोजेक्ट था, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट था, जनपद चमोली का लास्ट रेणी, यहाँ की जो प्रोजेक्ट जो धौली गंगा का जो प्रोजेक्ट था, यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पर पहाड़ टूटा है, जिस तरह से पानी का जो सैलाब आया, इससे जो है कि जनपद चमोली नहीं, पूरा उत्तराखंड इस समय जो है आपका, हम कह सकते हैं उत्तराखंड जो है इस समय जो है पूरे प्रयासी का जो 2013 की जो आपका एक बार फिर यहाँ पर देखने को मिली है। जनपद चमोली में लगातार जिस तरह से आए दिन जो घटनाएं होती है उसको लेकर जो आज का जो दिन था वो बड़ा डैमेज था, क्योंकि रेणी एक ऐसा गाँव है यहाँ पे 15 से 20 लोगों के बह जाने की यहाँ पर सूचना अभी तक प्रशासन ने दी है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो आपदा की जो घटनाएं सामने आ रही है, भले बता से पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे SDRF हो, चाहे NDRF हो, तमाम सारे हरिद्वार से लेकर आपका जो है जनपद चमोली तक पूरे शहरों में यहाँ पे बाजारों में यहाँ पे माइक से जो है पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट करें कि नदी किनारे से हटाए गए। पानी में अपने एक भाव है, धीरेन्द्र मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है इतना बड़ा भयंकर रूप, पिटरा रूप पानी ने ले रखा है कि जो गांव को गांव यहाँ पे खाली कराया जाए, चाहे जोशीमठ हो, चाहे आपका पीपल कोटी हो, चाहे आपका तपोवन हो, तो जो तपोवन का क्षेत्र है यहाँ पे भारी नुकसान जो इस समय देखने को मिला है। लेकिन हाँ, आंकड़ा तब आपको हम बाद में बता पाएंगे कि जब प्रशासन की टीम मौके पर जो रिकॉर्ड आएगा कि जब पानी का बहाव कम हो जाएगा, इसको लेकर जो आंकड़े जो सामने आए। पुष्कर, वहां बताया जा रहा है कि विद्युत परियोजना का कोई काम चला था, वहां पर भी कई मजदूर काम कर रहे थे और जब अचानक से ग्लेशियर फटा तो उस अलकनंदा नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया, तो और उसकी वजह से कई लोगों के बह जाने की भी आशंका है। बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र, मैं आपको बता दूं कि विष्णु प्रयाग में जो परियोजना है, उत्तराखंड परियोजना के नाम से जाना था, लेकिन वो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट यहाँ पे जो विद्युत विभाग का था ये यहाँ पे बह गया है। इसमें भी जो 15 से 20 लोग अभी बताए जा रहे हैं कि लापता है, तो इनकी छानबीन जो है यहाँ पे SDRF NDRF और जो हमारी ITTC यहाँ पे रहती है, ये भी यहाँ पे पहुंची, RNPRF पहुंची, स्थानीय प्रशासन ने यहाँ पे पहुंचे। लेकिन अब जो है जिस तरह पानी का रुख कम होगा, पानी जिस तरह से यहाँ पे बकरा बिगड़ा लुप आपने तस्वीरों में देखा होगा कि इस तरह से पानी का रुख यहाँ पे देखने को मिला है, अलकनंदा नदी हो, चाहे धौली गंगा हो, चाहे विष्णु प्रयाग हो, लेकिन लगातार जिस तरह से जो घटनाएं हो रही है, आपदा से जो घटनाएं हो रही है, उसको लेकर जो है यहाँ पे प्रशासन मुस्तैद यहाँ पे पहुंच गया है। अध्यक्ष जो स्थानीय प्रशासन है यहाँ पे पहुंच गया है और ये आने वाले समय में पता चल पाएगा कितने लोगों के यहाँ पे भय है, कितने लोग गाँव को यहाँ पे नुकसान हो पाया है अभी तक जिस आपदा से। पुष्कर, अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, आसपास कई गांव भी बसे हुए हैं अलकनंदा नदी के, तो कितने गांवों पर खतरा मंडरा रहा है और उन गांवों के लिए, उन सभी लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ NDRF की टीमों की तरफ से, वहां की प्रशासन की टीमों की तरफ से क्या कुछ प्लानिंग बनाई गई है और किस तरह से उन गाँवों को खाली भी कराया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र, आपका ऋषिकेश से लेकर आपका हो गया देवप्रयाग, हुए आपका जो है कर्णप्रयाग हो गया, श्रीनगर हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, तमाम सारे पुलिस यहाँ पर अलर्ट हो गई है। जो नदी किनारे जो गांव बसे हैं इनको जो गांव के गांव यहाँ पे खाली करा दिया गया। जनपद चमोली की मैं बात करूंगा, जनपद चमोली में जो है बहुत सारे गाँव ऐसे हैं, चाहे आपका कर्णप्रयाग हो गया, सिमली हो गया, कर्णप्रयाग हो गया आपका, उसके बाद कालेश्वर हो गया आपका, उसके बाद नंदप्रयाग हो गया, तो जो छोटे छोटे गाँव है, चमोली हो गया, पीपलकोटी हो गया, भाजपुर हो गया, तो नदी किनारे ये गाँव यहाँ पे रहते हैं और इनको लेकर जो पुलिस प्रशासन अपने माइक के द्वारा, पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कर रहा है, SDRF अपनी तरफ से कर रहा है, जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पे माइकों के द्वारा से अनाउंस कर रहे हैं कि आप जो है जल्दी से जल्द जो नदी किनारे जो गांव बसे हैं या जो काम करते हैं उनको खाली कराया जाए। और ऐसी जगह में आप जाए कि जहाँ जब तक पानी का स्तर जो है कम ना हो, इसको लेकर जब तक पानी का स्तर कम ना हो, तब तक अपने घरों में रहे। प्रशासन पूरी तरह समय जो है जनपद चमोली से लेकर आपका रुद्रप्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग हो गया, श्रीनगर हो गया, तमाम उत्तराखंड में जो समय एक अफरा तफरी का माहौल हमको कह सकती है, अचानक इस तरह से ये बाढ़ आना, इस तरह से धौली गंगा का जो प्रोजेक्ट हटना, तो अचानक था ये ऐसा भूचाल आना या ऐसा
जिसका होना है ऐसा यहाँ पे इस समय है, तो पूरा प्रशासन इस समय तो मुस्तैद है और तैयारी तो अपना पूरा लगा हुआ है। ट्रेन जी पुष्कर खतरा हरिद्वार तक भी है क्योंकि गंगा नदी हरिद्वार से होकर गुजरती है, अलकनंदा हरिद्वार में गंगा नदी में भी मिलती है, तो खतरा हरिद्वार तक भी बना हुआ है, तो इसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग हुई है, क्या कुछ हरिद्वार में जो बस्तियां हैं आसपास बसी हुई गंगा नदी के किनारे उनको भी खाली कराया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वीरेन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस आपदा का संज्ञान यहाँ पे ले लिया है, तो कहीं ना कहीं आप जो है चमोली से लेकर आपका हरिद्वार हो गया या ऋषिकेश हो गया या देख रहे हो तो जो नदी किनारे बसे हुए गांव है इनको लेकर भी आप एसडीआरएफ एनडीआरएफ पुलिस प्रशासन स्थानीय अलाउंस हो रहा है बकायदा, और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इसे दुखद घटना उसको ट्वीट करके दुखद घटना उसको कहा है, तो प्रशासन पूरे उससे अलर्ट है। हो सकता है कि हरिद्वार या ऋषिकेश या आपका जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे इस पानी का असर देखने को मिला, क्योंकि इसमें पेड़ बह के आ रहे हैं पुल यहाँ पे। मैं आपको एक यकीन दिला, मैं आपको एक अपडेट और देता हूँ, यहाँ के जो जोशीमठ से और जो रेहणी गांव तक का जो प्रभुबंधा इलाका है यहाँ पे कई पुल जो है क्षतिग्रस्त हो गए, कई पुल जो है बह गए हैं, पेड़ चट्टान वगैरह जो यहाँ पे सब टूट गए हैं, तो इसको लेकर जो पानी का बहाव है चाहे अलकनंदा हो चाहे आपका गौली गंगा हो, क्योंकि संत चमोली में 15 से 20 प्रोजेक्ट है तो जिनका पानी यदि एक साथ आता है कि आपने देखा होगा कि सब लहरों के साथ जो है पुल टूट गए, आपका जो स्थानीय जो चट्टाने हैं टूट गए, तो हो सकता है कि मैदानी क्षेत्रों में भी किसका जो मैदानी क्षेत्रों में भी इसका नुकसान। लगातार आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड के चमोली में बड़ी प्राकृतिक आपदा हुई है, हालांकि सरकार और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की लगातार नजर बनी हुई है, एनडीआरएफ की कई टीमें वहां पर मौजूद हैं, बचाव का कार्य चल रहा है, और अलकनंदा नदी और हरिद्वार नदी जो कि एक में मिलती हैं वहां जो आसपास बस्तियां बसी हुई हैं उनको भी खाली कराया जा रहा है, उन लोगों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होते हैं।